नागलवाड़ी थाना क्षेत्र के ओझर में शुक्रवार रात सालीकला निवासी युवक और साथियों से मारपीट की गई थी। इसका वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। युवक की शिकायत पर पुलिस ने शराब दुकान के 8 कर्मचारियों पर केस दर्ज किया है। वीडियो के आधार पर पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के अनुसार पुराने विवाद को लेकर घटना हुई थी। एसडीओपी कमल सिंह चौहान ने बताया, रवि तुकाराम भिलाल 20 निवासी सालीकला और उसके 3-4 साथी शुक्रवार रात ओझर गए थे। यहां ओझर शराब दुकान के कर्मचारियों ने पुराने विवाद को लेकर रवि और उसके साथियों से मारपीट की। इन 8 लोगों पर मामला दर्ज। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में शराब दुकान के ठेकेदार के कर्मचारी राजवीर, अवधेश, करण, ध्रुव, संदीप, विष्णु, लवकुश, अंकित निवासी ग्वालियर के खिलाफ बलवा मारपीट SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। पुलिस ने राजवीर, अवधेश, करण, ध्रुव, संदीप और विष्णु गिरफ्तार किया है, वहीं लवकुश और अंकित फरार है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आरोपियों पर और धाराएं बढ़ाई जाएंगी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को ओझा नगर में आरोपियों का जुलूस भी निकाला। आदिवासियों ने सौंपा ज्ञापन। घटना के बाद आदिवासी समाज के लोग पुलिस चौकी पहुंचे। लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। एसडीओपी को दिए ज्ञापन देते हुए बताया कि शराब ठेकेदार की कर्मचारी आए दिन लोगों से मारपीट करते हैं। ठेकेदार के कर्मचारियों की गुंडागर्दी से आम लोगों में डर का माहौल है, इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आदिवासी संगठन जयस के लोगों ने बताया कि शराब दुकान का कर्मचारी गुरुवार को मटन लेने गया था। इसी दौरान उसने महिला से छेड़छाड़ की थी। महिला ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इस पर शुक्रवार को महिला के 2 रिश्तेदारों ने कर्मचारी को फोन लगाया। शराब कर्मचारी ने दोनों को पहले नांदेड़ और फिर ओझर बुलाया। इसके बाद बोलेरो लेकर आए वाइन शॉप के कर्मचारियों ने दोनों के साथ मारपीट की। क्रम हुआ, ये परसों साली कला की एक महिला थी, वहाँ बाथपुर वाइन शॉप से मटन लेने गया था। ये करण करके व्यापारी भी जो काम करता है, ठेके पे काम करता, 1 बजे के समथिंग उसने उस महिला के साथ छेड़खानी करी और छेड़खानी करने के बाद उस महिला डरी हुई थी। डरी हुई होने के कारण उसने घर नहीं बताया। कल 8 बजे के समथिंग उसके बच्चे और उसके जवाई को उन्होंने घटना बताई। घटना बताने के पश्चात उसका जवाई और उसके लड़के, जो 3 लड़के आए थे और जो जिसने ऐसी घटना करी उसके साथ, उसको उसने कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने बोला मैं नांदेड़ में हूँ, नांदेड़ में ये गए तो उन्होंने ओझर बुलाया। ओझर में ये लड़के आए थे, ये उनका जवाई, उनका लड़का आया था, उसके पश्चात वाइनसो वाले आए थे और बोलेरो गाड़ी लेके आए थे। बोलेरो गाड़ी के साथ में उन्होंने 2 लड़कों के साथ मारा-ठोके करी, बंदूक की गोलियां चलाई और उसके साथ में बहुत सारी मारा-ठोके करी और सर में चोट आ रखी है। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस द्वारा भी संगठन के माध्यम से और सभी क्षेत्रवासी आए हैं, जनप्रतिनिधि, और कार्रवाई के लिए इनको बोला एड्रोसिटी एक्ट लगाई है और भी लावा करके धाराएं लगाई है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट है, लेकिन जो हमको धाराएं लगवानी है वो धाराएं पुलिस प्रशासन लगाने से मना कर रहा है। उनका कहना ये है कि जांच के पश्चात हम जो धाराएं आप बोल रहे हो धाराएं लगवाएं। आगे आप क्या करना चाहते हैं संबंध? हमारी ये मांग है कि जो जिनके माध्यम से ये घटनाएं हो रही है और जिनके शासन पर जिनके चल रही है और जो मैनेजर है, मैनेजर को हम बुलाया जाए और आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो और जो पीड़ित परिवार को जो भी उनके नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई की जाए, अन्यथा ये यही संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।